Assalamu alaikum students, I hope you will be fine. Today in grade 5 we will study the science. So students, please open the book. Today our unit is unit number 2. So open your book with me. Today our unit is our central nervous system. Nerves kehte hain hamare dimag ke jo control hai hamara. पूरा दिमागी जो कंट्रोल है हमारा उसके मतलब हमारा ये यूनिट है. ठीक है. यू हैव रीड अ फेरी टेल और वॉच्ड एन एनिमेटेड कार्टून मूवी सम टाइम्स अगो. यू कैन रिकॉल इट्स करेक्टर स्टोरी डायलॉग एक्सेट्रा. व्हाट हेल्प्स यू टू लर्न न्यू थिंग्स टू थिंक एंड टू रिकॉल. नो डाउट इट इज़ योर ब्रेन विच इज़ in charge of these activities. It is an amazing machine which is involved in thinking, reasoning, learning, taking important decisions, responding and a lot more. इस पैराग्राफ के अंदर हमें क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि अगर आपने कुछ टाइम पहले कोई मूवी देखी हो या आपने कार्टून देखे हों तो आपको कार्टून के वो करेक्टर्स याद होंगे. ठीक है. और आपका ब्रेन जो है, अगर आप थोड़ा सा अपने जहन के ऊपर जोर दें तो आपका ब्रेन क्या करेगा, वो तमाम चीज़ें आपको दोबारा से आपके दिमाग के अंदर आने लगेंगी और एक स्टोरी की तरह से आपके माइंड में घूमने लगेगी. आपको उसके डायलॉग याद आने लगेंगे, करेक्टर क्या थे, किरदार कितने थे उसके अंदर. तो देखें, ये सारा काम हमारा क्या कर रहा होता है, ब्रेन कर रहा होता है, हमारा दिमाग काम कर रहा होता है. और दिमाग का जो काम है, उसका दिमाग का काम है कि सोचना, चीज़ों को समझना और इम्पॉर्टेंट अहम जो है वो फैसले लेना और एकदम किसी चीज़ के हवाले से रिस्पॉन्स देना. ठीक है. एकदम किसी चीज़ के हवाले से फैसला करना, रिस्पॉन्स देना और कोई बात दिमाग के अंदर याद करवाना. नाउ आवर ब्रेन वर्क्स इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. इन इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ एंटायर बॉडी एंड परफॉर्म द सिंपलेस्ट ऑफ टास्क, ब्लिंकिंग ऑफ एन आई टू मोर कॉम्प्लेक्स वंस, सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चन. द ह्यूमन ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द हेड विच इज प्रोटेक्टेड by a bone called the skull. The skull is very hard. अब आपके पास क्या है कि जब इवन आप सो रहे होते हैं उस वक्त भी आपका दिमाग क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, मुख्तलिफ तरह के आपके जिस्म के हिस्सों को कंट्रोल कर रहा होता है. जैसे अब आप देखें कि जब आप सो रहे होते हो तब आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, आपका जो अमल तनफ़ुज़ है, आपका सांस लेने का जो अमल है वो जारी होता है. इसी तरह जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जो दिल है वो भी उसी तरीके से काम कर रहा होता है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका दिमाग उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है. इवन आपकी आंख झपकने से लेकर आपका मैथ का जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हैं उसको भी क्या करता है, आपका दिमाग हल कर रहा होता है. अब आपके पास दिमाग आपका कहाँ मौजूद होता है, दिमाग आपका एक दिमाग की एक बोन नुमा एक कैप जो आपके सर के ऊपर बनी हुई होती है उसके अंदर आपका, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, खोपड़ी के अंदर आपका दिमाग क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम होता है. ठीक है. और ज़रा सा भी क्या है, इसको ठेस पहुंचने पे आपका पूरा जिस्म मुतासर हो सकता है. इसकी वजह से एक सख्त किस्म की खोपड़ी होती है जिसके अंदर आपका दिमाग महफूज हो होता है. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अ ह्यूमन brain look like? Have you ever seen a walnut? It is pinkish brown in color. The human brain is the same shape as a walnut, but unlike a walnut it is soft and soggy and has many folds and wrinkles. Ab isme aapke paas kya hai ki kya aapne kabhi आपने कभी अपने किस बता सकते हैं कि कभी आपने किसी ने दिमाग को देखा है? आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने
अखरोट देखा होगा। अब अखरोट क्या है, पिंकिश ब्राउन, ठीक है, थोड़ा गुलाबी और ब्राउन कलर का होता है, और उसकी जो शेप होती है, उसका जो आप अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो इंसानी दिमाग से बहुत मिलता है। लेकिन आपका जो अखरोट है वो तो क्या होता है, सख्त होता है, लेकिन इंसान का जो दिमाग है वो क्या होता है, बहुत नरम होता है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा और बहुत सारी जो लेयर्स हैं उसकी, वो फोल्ड हुई हुई होती हैं, एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के अंदर तीसरी लेयर, जो है ना वो इस तरह से फोल्ड हुई हुई होती है, और क्या होता है, रिंकल्स, उसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो बल होते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज एन ऑर्गन विच इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स, आल्सो कॉल्ड न्यूरॉन। इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन, विदाउट न्यूरॉन वी कैन नॉट सर्वाइव। अब आपका जो ह्यूमन ब्रेन है ये क्या है, ये एक पूरा अज़ा है जो किस तरह के सेल से बना हुआ होता है, जो नर्व सेल से मिलके बना होता है, और ये जो नर्व सेल हैं ये क्या कहलाते हैं, न्यूरॉन्स कहलाते हैं, और न्यूरॉन्स जो है वो तकरीबन, इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन, ये तकरीबन एक आपका जो ब्रेन है वो हजारों लाखों करोड़ों जो है वो न्यूरॉन से मिलके बना होता है। विदाउट न्यूरॉन, हम न्यूरॉन्स के बगैर जो है वो क्या कर सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। दीज न्यूरॉन्स आर लिंक टुगेदर लाइक बीड्स इन अ स्ट्रिंग, दे वर्क इन स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर एंड कंट्रोल ऑल बॉडी मूवमेंट एंड एक्टिविटीज। अब ये न्यूरॉन क्या होते हैं, ये न्यूरॉन जो है वो मोतियों की तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और ये बड़ा एक दूसरे के साथ जिस्म के जो तमाम हिस्से हैं उन्हें क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे आपकी आइज़ का झपकना है, आपका हाथ का चलना, हाथ का आपकी टांग का, पाँव का उठना, खाना खाना, आपका बोलना, ये तमाम परफॉर्म जो टास्क कर रहे होते हैं वो इसके पीछे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ से निकल रहे होते हैं, आपके दिमाग से निकल रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक जॉब, सेरेब्रम, सेरेबुला और मेडुला। नाउ अब आपके ब्रेन के जो है वो तीन हिस्से होते हैं। अब इन तीनों हिस्सों के बारे में और इन तीनों हिस्सों का जो काम है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट दैम। द लार्जेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम। इट मेक्स अप 85% ऑफ द ब्रेन वेट। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स वर्टिकली। द राइट पार्ट कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्स। यहाँ आपके पास क्या है कि जो तकरीबन आपके जो दिमाग का 85% हिस्सा है, 85% जो है वो आपके दिमाग का जो है वो सेरेब्रम पे है, और ये दो हिस्सों में तकसीम है कि इसका जो लेफ्ट पार्ट आपके जो जिस्म का राइट पार्ट है और लेफ्ट पार्ट, ये दोनों इस तरह से कंट्रोल करते हैं। साइंटिस्ट थिंक दैट द राइट पार्ट ऑफ द सेरेब्रम हेल्प अस टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स लाइक कलर एंड शेप। द लेफ्ट पार्ट इज इन्वॉल्व इन एनालिटिकल थिंकिंग। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर सॉल्विंग अ मैथ्स प्रॉब्लम, इट हेल्प्स यू टू थिंक लॉजिकली। अब साइंसदानों का ख्याल है, क्योंकि आप ये देखें कि हम में से ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अल्लाह ने बनाए हैं, तो हम इनकी वर्किंग के बारे में आपको 100% अश्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम अपनी रिसर्च को पेश कर सकते हैं। अब साइंसदानों का जो ख्याल है वो, उनका कहना ये है कि जो राइट पार्ट है दिमाग का वो क्या करता है, वो एब्स्ट्रैक्ट किस्म की चीज़ों को सोचता है, यानी कि जो आपके इमेजिनरी चीज़ें, तसव्वुराती दुनिया है, कलर है,
चीज़ों के जो कलर उनकी साख्त उनकी अशकाल किस तरह की हैं, और जो आपका लेफ़्ट पार्ट है वो क्या करता है, वो एनालिटिकल थिंकिंग। फॉर एग्जांपल हम जब मैथ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें सॉल्व भी करना होता है, उसके अंदर हमें कुछ लॉजिक्स बनानी होती हैं, जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होते हैं तो उसमें हमें कुछ लॉजिक्स बनानी होती हैं, और वो लॉजिक्स फिर हम अपने दिमाग से। नेक्स्ट हमारे पास द सेरेब्रम इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट कंट्रोल और voluntarily action the ones that can be controlled. The cerebrum control action like listening, reading, thinking, remembering and reasoning. It control all the five senses, sight, hearing, smell, taste and touch. Beside it also control our feelings. अब जो cerebrum है ये आपके पास क्या है कि आपकी जितनी आप जितना भी आप सुनते हैं, देखते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये जितना भी सारी चीज़ें हैं आपका सेरेब्रम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। और सेरेब्रम नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो सेरेब्रम इज एट द बैक ऑफ द ब्रेन इज बिलो द सेरेब्रम अबव द मेडुला। इट इज मच स्मॉलर देन द ब्रेन। इट सेरेब्रम इट मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल बॉडी बैलेंस, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। It is our cerebrum that helps to stand the upright position and keep our balance and move. Other activities are controlled by the cerebrum, are jumping, walking, riding, swimming and many other physical activities. अब आपके पास जो cerebrum है वो क्या करता है, वो cerebellum जो है वो cerebrum से नीचे और उससे थोड़ा काफ़ी छोटा जो है वो क्या होता है पार्ट है, जो क्या करता है आपके जिस्म का बैलेंस बरकरार रखता है। जब आप चल रहे होते हैं तो देखें, अगर आप जो है वो डिसबैलेंस होंगे, आपके जिस्म का कहते हैं बैलेंस सही नहीं होगा, तवाज़ुन सही नहीं होगा, तो आप चल नहीं सकेंगे, आप अपने भाग दौड़ के काम नहीं सही तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे, आप कहते हैं जंपिंग करना, वॉक करना और इस तरह की मुख्तलिफ जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो आप सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। और थर्ड पार्ट इज़ मेड्यूला। द स्मॉलेस्ट एंड द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मेड्यूला और द ब्रेन स्टेम। द मेड्यूला लाइज बीनीथ द सेरेब्रम। इट कॉन्टेक्ट द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड विच रन्स डाउन टू द नेक बैक। इट कंट्रोल्स द इन्वॉल्वेटरी एक्शन, द वंस वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट अस इवनिंग थिंकिंग अबाउट दैम। द मेड्यूला कंट्रोल ऑल द इन्वॉल्वेटरी action of the body like breathing, digestion of food, heartbeat and blood circulation. When the rest of the brain sleeps, do you know which part of the brain keeps working? It is medulla. मेडुला आपके पास क्या है, ऑलमंड जितना जितना बादाम का साइज़ होता है ना, इतना छोटा साइज़ का आपके दिमाग के अंदर ये होता है, और ये आपकी जो गर्दन है, गर्दन का जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे ये मेडुला स्पाइनल कॉर्ड से पहले, थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी से पहले जो है वो ये होता है। अब ये क्या करता है, ये आपका जितना भी सांस लेने का प्रोसेस है, डाइजेस्टन खाना खाने का है, और दिल की जो धड़कन है उसको तकरीबन आपका ये सारा मेडुला कंट्रोल करता है। मेडुला कनेक्ट्स टू द स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ लॉन्ग spines of nerves tissues running down from the brain through the backbone. It is surrounded by the vertebral column which provides safety to the spinal cord. The spinal cord comprises multiple nerves that collectively form the nervous system. अब मेडुला किस तरीके से, मेडुला जो है वो कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपकी जो उसके जो टिश्यूज़ हैं वो पूरे आपकी बैकबोन, पूरी रीढ़ की हड्डी आपकी जो है ना वो नीचे की तरफ जो है वो जा रही होती है, और उससे पूरा आपका स्ट्रक्चर जो है वो जिस्म का बना हुआ होता है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स, मल्टीपल न्यूरॉन्स जो है वो उसके अंदर कलेक्टिवली काम कर रहे होते हैं, और वो पूरा नर्वस का आपका सिस्टम बना देते हैं।
The nervous system is made up of the brain, the spinal cord, and a large network of nerves all over the body. The nervous system helps us to communicate by sending and receiving countless messages and allow our brain to control what is going on in our surroundings. We use our brain for numerous activities in our daily routine, such as solving math questions, doing homework, playing video games. The procedure moves forward when the spinal cord sends message to the brain. The nerves carry these messages in the form of impulse to the brain, and then brain command the right part to act upon. Nerves work like joint wires that carry communication signal all around the body. The two main types of nerves are. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, आपका दिमाग का जो पूरा हिस्सा है, वो किस तरीके से काम करता है. ये आपका दिमाग है और ये जो पूरे जिस्म के अंदर आपके ये जा रहे हैं, दिस इज़ ये आर आपके नर्व्स हैं. और ये जो आपके दरमियान में आ रही है, ये दिस इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड. और स्पाइनल कॉर्ड के साइडों पे आपको नर्व्स सिस्टम नज़र आ रहा होगा. अब आप दिन के अंदर आप जितने भी टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे आप अपने देखें, आपके बहुत सारे काम होते हैं. आपका चलना है, उठना है, बैठना है, वीडियो गेम खेलना है, मूवी देखना है, तमाम चीज़ें जो है ना, वो क्या हो रही होती हैं, ये एक्टिविटीज़ किसके ज़रिए, न्यूरॉन्स के ज़रिए जो है वो कंट्रोल की जाती हैं. और ये हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, अब हमारा दिमाग क्या करता है कि हमारा दिमाग मैसेज लेता है, और मैसेज लेने के बाद वो हमारे जो राइट पार्ट है उसको, हमारा जो दिमाग का राइट पार्ट है उसको जो है वो क्या करता है, उसको कमांड देता है, उसको मैसेज देता है कि इस पे एक्शन लो. और नर्व जो है वो क्या करते हैं, वो एक वायर के थ्रू एक दूसरे के साथ बड़े लिंक्ड होते हैं, जैसे तार से जुड़े हुए होते हैं, इसी तरह से वो क्या करते हैं, जब उन्हें सिग्नल मिलते हैं तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं. अब हमारे जो दिमाग के जो नर्व्स के जो सिस्टम है, वो दो तरह से काम कर रहा होता है. एक आपके पास है सेंसरी सिस्टम, दैट कैरी मैसेज फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड व्हिच कैरीज देम टू द ब्रेन. अब सेंसरी सिस्टम हमारा क्या है कि जो हमारे सेंसेस हैं, जैसा आपके आईज हैं, आपका टंग है, आपकी स्किन है, आपके एयर्स हैं, ठीक, तो ये आपके क्या हैं, और आपकी जो नोज़, ये तीन, ये पांच हमारे सेंसेस ऑर्गन्स हैं. अब ये सेंसेस ऑर्गन क्या करते हैं, मैसेज जो है वो लेते हैं और उसको फिर ब्रेन तक ये ट्रांसफ़र कर देते हैं. मोटर नर्व्स दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम आवर ब्रेन टू आवर मसल्स टू टेल देम व्हाट टू डू. अब मोटर नर्व्स क्या करते हैं कि जब आपके ये जो सेंसेस ऑर्गन्स, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी टंग है, नोज़ है, आइज़ हैं, आपके एयर हैं, और आपकी जो है वो स्किन है, जब ये मैसेज आपके ब्रेन तक पहुँचता है, तब आपका ब्रेन इनको एक मैसेज देता है, और वो जो सिस्टम के तहत वो देता है मैसेज, दिस इज़ कॉल्ड मोटर नर्व्स. और कि अब आप करना क्या है, फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ की टच की, वो गर्म थी, आपके दिमाग तक फौरन मैसेज गया कि ये गर्म है. अब आपका दिमाग आपके बॉडी को, ऑर्गन को, जिस्म को ये मैसेज देगा, हाथ हटा लो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अप टू द हैंड आइज ऑन योर सेंसरी नर्व्स विल सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन वेयर द स्पाइनल कॉर्ड दैट आइज इज कोल्ड द रिस्पॉन्स अवर ब्रेन द सेंड द मैसेज टू योर मसल्स थ्रू मोटर नर्व्स टू मूव द हैंड अवे. इसी तरह से अब आप यहाँ में एग्जाम्पल में आपको क्या कहा गया है कि इफ़ यू पुट अ हैंड, अगर आप एक बर्फ के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपका हाथ के, आपके जो है वो सेंसरी ऑर्गन के ज़रिए आपका दिमाग तक मैसेज जा रहा है कि बर्फ़ क्या है, ठंडी है. फिर आपका मोटर जो है वो नर्व सिस्टम के ज़रिए आपके दिमाग से मैसेज आपकी बॉडी को आ रहा है कि आप अपना हाथ
बर्फ़ से हटा लीजिए। इसी तरह आप देखिए कि अगर कोई क्या कहते हैं कोई चीज़ जल रही हो, जब हम स्मेल करते हैं तो हमारी नोज़ हमारी ब्रेन को मैसेज दे रही होती है कि कोई चीज़ जो है वो जल रही है और कोई आपकी जलने की कोई स्मेल आ रही है, तो फिर आप क्या करते हैं, आपको ब्रेन आपको कहता है कि सर्च आउट करें, उठें, यानी आपका यानी आपने तो स्मेल ली ना अंदर, अब आपका ब्रेन आपको मोटर स्किल के तहत वो उसको जज करके बता रहा है कि ये स्मेल किस तरह की है। और फिर हम उस मैसेज के अकॉर्डिंग फिर क्या कर रहे होते हैं, एक्शन ले रहे होते हैं। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आ गया होगा। यू हैव टू डू इट्स रीडिंग 3-4 टाइम। आपने इस यूनिट की 3-4 दफ़ा रीडिंग करनी है और देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।